गोमेदक द्वीप की तरफ मोड़ दो। जवादस मलिक, उपमा गरम है। और द्वीप पर तो हम भी जाएंगे। जहाज में हिलते 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 व्याकुल हो गए हैं। हम भी भूमि पर भ्रमण करना चाहते हैं। नहीं नहीं, द्वीप पर मात्र मैं और पंडित रामाकृष्णा जाएंगे, बस। ये क्या बात है? इस जहाज पे मुझे सांस नहीं आ रही। मैं भी जाऊंगी। ये डंडा देखा है? देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अम्मा क्या कर रही हूँ, शांति रखो, शांति बनाए रखो। संभवा महोदय, सबको चलने की अनुमति दे दीजिए ना। क्या है कि लगातार जहाज में रहने से सबके समुद्री विकार से ग्रसित होने की संभावना है। और आप सोचिए, यदि किसी ने जहाज में वमन कर दिया तो आपका जहाज कितना गंदा और अशुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, और वैसे भी हमने और हमारे शिष्यों ने बहुत अधिक खा लिया है। हाँ, बस 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 बस, अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम सब गोमेदक द्वीप जाएंगे, परंतु वहां जाने के पश्चात कोई किसी प्रकार की चतुराई ना करे, वहां से भागने का प्रयत्न ना करे, इसलिए ये बच्चा गुंडप्पा इस जहाज पर बंधक बनकर रहेगा। और यदि किसी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसकी सजा इस बालक को मिलेगी। मेरा नाम गुंडप्पा है और मैं बताती हूँ, पुरुष है, पुरुष। चुप, तू कोई भी हो लेकिन तू हमारे साथ नहीं जाएगा, इस जहाज पर बंधक बनकर रहेगा, समझा? सैनिकों पकड़ लो इसे। अब क्या करेगा रामा? इस शंभुआ ने तो गुंडप्पा को बंधक बना लिया है। चुप कर बैठ बंधु, सोचने दे मुझे। अब सोचने को शेष रहा ही क्या है? समुद्री डाकू शाकाल की छुपाई संपत्ति का पता बताना ही पड़ेगा, अन्यथा शंभुआ गुंडप्पा को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मेरे जीवित रहते कोई गुंडप्पे का हित नहीं कर सकता। अब क्या करना है पंडित जी? बाहर फेंक दूंगा। अरे पहले अंदर तो प्रवेश करने दो, फिर बाहर फेंक देना। मेरा तात्पर्य यह है कि अब क्या करना है पंडित जी? जीरे की दुकान ढूंढनी है। क्यों लगता है आप भूल गए? है अनमोल हीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। पहली स्मरण है पंडित जी, परंतु जीरा क्यों? हम ऊंट ढूंढते हैं ना, ऊंट विशाल होता है, बड़ा होता है, सरलता से मिल जाएगा, फिर उसका जबड़ा चीर के उसमें से जीरा निकाल लेंगे। वाह वाह, देखा पंडित रामकृष्ण, आपसे अधिक बुद्धिमान है शंभुआ जी। शंभुआ जी, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता तो है नहीं, हम विजयनगर की ओर प्रस्थान करें। संभव महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जीरे की दुकान के आसपास ही हमें ऊंट मिलेगा, परंतु यदि आपको लगता है कि आप अधिक चतुर हैं तो आप अपना खजाना स्वयं ढूंढ लीजिए। चलो अम्मा। पंडित जी, पंडित जी, आप तो क्रोधित हो गए। कैसा पंडित जी, कहते ऐसा करो, आप शंभुआ जी आपके साथ तो कितने सारे लोग, जीरा तो क्या हीरा भी खोज लेंगे, अब हमारी सहायता की आवश्यकता तो आपको है नहीं, तो हम विजयनगर की ओर प्रस्थान करें। बाहर फेंक दूंगा। बाहर फेंक दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। चुप रहिए गुरुजी, चुप रहिए, बार बार प्रस्थान करने की बात मत करिए, अन्यथा ये शंभुआ महोदय स्वर्ग प्रस्थान करा देगा। स्वर्ग नहीं, नर्क, नर्क पहुंचा देगा। इधर सही कहा ना गुरुजी मैंने, पर हम करें तो क्या करें? आप महिलाएं और आप हैं, आप पुरुष और आप महिलाएं इस द्वीप पर भ्रमण कर लीजिए। मालिक, उपमा गरम है, यदि ये लोग कहीं भागते हैं तो भागने दो। क्यों? क्योंकि मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं है। मालिक आप समझ नहीं रहे, उपमा गरम है। उपमा से ज्यादा इस द्वीप का शासक गरम है। हा? और इस द्वीप के नियम बड़े कठोर है, ये लोग कोई ना कोई त्रुटि करेंगे और फंसेंगे और साथ ही हमें भी फंसवाएंगे, इसलिए इनका दूर ही रहना अच्छा है। अम्मा शारदा, तुम लोग जरा हाथ घूम लो। हाथ घूमने का क्या लाभ,
कुछ खरीद तो सकते हैं नहीं, धन कहाँ है हमारे पास? नहीं नहीं, मेरे पास कोई धन नहीं है। अब बड़ी कठिनाई से तो जीवन यापन हो रहा है यहाँ, 2 महीने से स्वामी का वेतन भी नहीं दिया है। ठीक है अम्मा शारदा, तुम दोनों मेरे साथ ही चलो, घूम लेते हैं, यदि समय मिला तो जीरा ढूंढ लेंगे, है ना? चलो। धन्यवाद। शंभुआ जी, हम भी हाट घूम लेते हैं। आप भी घूम लीजिए ना तथाचार्य जी, आपको किसने रोका है? धन की अल्पता ने। मैं कोई धन का वृक्ष नहीं हूँ, जैसे ऐसे करूंगा और धन की वर्षा होगी। हाँ तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, एक क्षण। स्वामी स्वामी, अपनी धन बाद में वेतन के साथ। अब ढूंढ ले जीरा। अवश्य अवश्य, आइए। देखा धनी मनी, हमने कैसे चतुराई से उस संभुआ को मूर्ख बना दिया। नहीं देखा। देखा करो, शिष्य अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित किया करो। कैसे चकमा देकर हम संभुआ और सैनिकों से अलग हो गए, और तो और विजयनगर लौटने के लिए धन की प्राप्ति भी हो गई। मानिए गुरुजी, आप तो चतुराई का भंडार हो। आप तो लोमड़ी का मानव रूप हो गुरुजी। तुमने हमें लोमड़ी कहा? इधर आओ। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। हाथ हटाओ। चलो, हमें एक ऐसा जहाज ढूंढना है जो विजयनगर की ओर यात्रा के लिए निकल रहा हो। कुछ दे दे भगवान के नाम पे, कुछ दे दे। तुम दोनों के पास कुछ मुद्राएं हैं? गुरुजी मेरे पास एक कांसे की मुद्रा है जो आपने 6 माह पूर्व दी थी। मेरे पास तो एक भी कांसे की मुद्रा नहीं है जो आपने कभी नहीं दी, चुरा के काम करना। कैसे निर्धन कहीं ना, मुद्रा लाओ। गुरुजी आपके पास भी तो है। मुद्रा लाओ। नहीं नहीं नहीं, मुद्रा मत दीजिए, भोजन करवा दीजिए। भिक्षु हो तुम, जो दे रहे हैं ग्रहण कर लो। आप अपनी इच्छा से ये मुद्रा दे रहे हैं? हाँ, दानवीर हैं हम, सदैव दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं। ये रखो, हमारे गुणगान गाओ, आनंद करो और प्रस्थान करो यहाँ से। आपने मुद्रा दी? हाँ दी। आपने भिक्षुक को मुद्रा देकर गोमेदक द्वीप के नियम का उल्लंघन किया है। यहाँ दान देना वर्जित है, भिक्षुक को सिर्फ भोजन करवाया जा सकता है। देखिए, हमें ज्ञात नहीं था, हम तो परदेसी हैं। कोतवाल जी, मैंने इनको सचेत किया था पर ये नहीं माने। दुष्ट, क्या कह रही? कब कैसे सचेत किया था? मैंने आपको कहा था ना, मुद्रा नहीं दीजिए, भोजन करवा दीजिए। तो स्पष्ट कहना चाहिए था ना। देखिए कोतवाल जी, ये त्रुटि जो है इस भिक्षु की। सचेत करता हूँ, गोमेदक द्वीप में मिथ्या आरोप लगाना भी अपराध है। गुरुजी चुप रहिए, समय आपका चुप रहना उचित है। शांत रहिए गुरुजी, शांत रहिए, वरना दंड बढ़ जाएगा। हाँ, हमें क्या करना होगा? दंड स्वरूप आपको तिल का तेल निकालना होगा। कैसे? ऐसे। हो गया कल्याण। उपमा गरम है मालिक,
क्या हुआ स्वामी? उपमा गरम है। उपमा क्या करूं? मेरे मतलब जीरे की दुकान ही कहीं आसपास में ही है, मुझे जीरे की खुशबू आ रही है। वो रही जीरे की दुकान। चंबा महोदय, मेरी आपसे एक ही विनती है, आप कृपा करके शांत और मौन रहें बस। क्यों? उचित है। वो रही जीरे की दुकान और ये रहे आप स्वयं जाइए और वार्तालाप कर लीजिए। अरे 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 पंडित रामकृष्ण जी, आप तो रुष्ट हो गए। मार फेंक दूंगा। मेरा मतलब है आप जाइए, मैं मौन भिजवा दूंगा निश्चिंत। आइए आइए आइए, पधारिए महाशय, बताइए कितनी बोरियां तुलवा दूं? बोरियां तो हमें नहीं चाहिए, परंतु आपसे एक विनती है, आप कृपया इस मुख को ध्यान से देखें। क्यों देखूं? आप देखे तो सही। कुछ परिचित अवश्य नजर आ रहे हैं। हाँ, वो इनके पिताजी थे। अच्छा, तो तुम उनके पुत्र हो? हाँ। पूरे 100 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण शेष है उन पर। मुझे तो लगा कि मेरा ऋण गया, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हें भेजा है धन देकर मेरा ऋण चुकता करने के लिए। अच्छा बताओ, कुशल पूर्वक तो है ना वो? आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं संभव महोदय, आप शांति रखें। दुकानदार महाशय, आपको तनिक भ्रम हुआ है, इनके पिता को आपका कोई ऋण चुकाना शेष नहीं है, अपितु आपको इनके पिता द्वारा छिपाए गए धन या उस धन तक पहुंचने का संकेत हमें बताना है बस। देखिए ना, मैं इन्हें पहचानता हूँ ना इनके पिताजी को, अगर जीरा चाहिए तो मूल्य चुकाने के लिए धन लेकर आइए। धन? अजी तलवार नहीं, मूल्य। शंभु महोदय, आप शांति रखिए ना, मुझे उनसे वार्तालाप करने का अवसर दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आप चर्चा कीजिए, मार फेंक दूंगा। अजी ऐसे कैसे फेंक देंगे, ये मेरी दुकान है। नहीं, ये आपसे नहीं, मुझसे कह रहे हैं। अजी आप तो पहले से ही बाहर हैं, और कितना बार फेंकेंगे? भगवान में कहां फंस गया। अरे आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए ना, देखिए हमें आपसे कुछ नहीं खरीदना है, हमें केवल आपसे एक जानकारी चाहिए बस। देखिए जीरा खरीदना ही तो बात कीजिए, वरना लगे हमारे पास नहीं बचा। कुछ तो करना पड़ेगा स्वामी। ये लीजिए आपका धन। अब इस धन की एवज में आप हमें वो सूचना तो दे ही सकते हैं। हाँ जी, कहिए कैसी सूचना? बात ये है कि हम एक पहेली का हल ढूंढ रहे हैं। पहेली के पहले भाग के अर्थ ने हमें गोमेदक द्वीप तक पहुंचा दिया, अब पहेली के दूसरे भाग के अनुसार हमें एक जीरे की दुकान तक पहुँचने का निर्देश है। परंतु गोमेदक द्वीप में तो जीरे की काफी दुकानें हैं। गोमेदक द्वीप जीरे के व्यापार का केंद्र है, यहाँ कई स्थानों से जीरा एकत्रित किया जाता है और आसपास के टापू गांव और शहरों में जीरा निर्यात किया जाता है। आप संकेत दिन दिमाग से क्यों नहीं भेंट करते हैं? है? अब ये संकेत दिन दिमाग कौन है? अरे हमारे माननीय जीरे के सम्राट, वही तो सर्वप्रथम इस टापू पे जीरा लेकर आए थे। वो ना स्वाद कहाँ था भोजन में, अब वो कहाँ उपलब्ध होंगे, उन्हें कैसे ढूंढा जाए? अजी यही कहीं होंगे, अपने शिकार के तलाश में। शिकार? किसका शिकार? इंसान का। सनकी दिमदिमा चौसर के खेल में महारथी हैं। वो चौसर के खेल में लोगों को फंसाने का प्रयास करता है। वो चालाकी से लोगों के पैरों की बाजी लगा के जीतता है और पैर एकत्रित करता है। पैर? पैर क्यों? वो किसी दुर्घटना में अपना पैर गवा बैठा था, अभी से वो जीतने के बाद प्रतिद्वंद्वी का दाहिना पैर काट के एकत्रित करता है।
ये उसका पागलपन बन गया है, इसीलिए उसे सन की दिमदिमा कहते हैं। आप लोगों के पैर है ना? परंतु जब समस्त जन को उनकी इस विक्षिप्तता के बारे में पता है, वो कोई भी उनसे प्रतिस्पर्धा क्यों करता है? ये बात तो वही जानते हैं जो गोमेदक द्वीप के निवासी हैं। इसी उद्देश्य से वो बाहर से आने वाले अपरिचित लोगों को अपने जाल में फंसाता है। यदि कोई इस द्वीप पर आकर शंख बजा देता है तो इसका मतलब है उसने सन की दिमदिमा को चौसर खेलने के लिए ललकारा है। परंतु यहाँ आकर कोई शंख फूकता ही क्यों है जिससे ध्वनि हो? यदि व्यक्ति का भाग्य ही विपरीत हो तो अगर वो ऊंट पे भी बैठा रहेगा ना, तभी भी उसे कुत्ता काट लेगा। हमारे दल में ना केवल एक ही व्यक्ति है जिसे यदि ऊंट पर बैठाओ तो भी कुत्ता काट ले, और वो है राजगुरु आचार्य तथाचार्य। ईश्वर उन्हें शंख से दूर रखना बस। बस थोड़ा सा ही शेष बचा है गुरुजी, आधा मटका तो भर ही चुके, बस आधा ही शेष बचा है। जल लाओ मूर्खो, प्यास लगी है। अवश्य गुरुजी अवश्य, हम आपने जल नहीं गंगा जल लेकर आएंगे। अरे अभी हम जीवित है मूर्खो। जीवित है बुड्ढा, तो ठीक है, हम आपके लिए नारियल का जल लेके आते हैं। आप व्यापन ना होइए, चलाइए नहीं कोलू। इतने सुंदर शंख है, छोटे बड़े हर प्रकार के शंख है। चलो ना अम्मा देखते हैं ना। अम्मा चलो ना। अरे भाई वो वाला शंख दिखा ना। ये वाला? हाँ। ये लीजिए। ये शंभू महोदय। रुकिए। ओ उस दिशा में। ये अम्मा के हाथ में क्या है? अम्मा के हाथ में शंख है। इसे ध्वनि भी निकलती है जी। हाँ, अम्मा बजा। अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे बजाई नहीं। अम्मा बजाओ। अम्मा शंख नहीं बजाना। शंख ही तो बजाया है, कौन सा किसी युद्ध का बिगुल बजा दिया है। शारदा इस द्वीप पर कोई भी शंख नहीं बजाता है। शंख बजाने का तात्पर्य है कि उसने चौसर के खिलाड़ी दिमदिमा को चुनौती दी है। दिमदिमा चौसर का चतुर खिलाड़ी है। चुनौती देने वाले को उसे अपनी एक टांग दांव पर लगाना अनिवार्य है अम्मा। हारने पर उसे अपनी टांग उसे देनी पड़ती है, और दिमदिमा पारितोषिक के रूप में उसकी टांग काट कर सजा कर रख लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.